नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज का हमारा जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है अलंकार। अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती, सुंदरता बढ़ाई जाती। इससे पहले अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, अलंकार से पहले हमें काव्य को समझना अति आवश्यक है। काव्य की जो विद्वानों ने अलग अलग ढंग से जो परिभाषा दी है, वो परिभाषाएं हम आपके लिए बताते हैं। उन परिभाषाओं में जो सबसे पहली जो परिभाषा है वो कालरज ने दी, और कालरज ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा को इस प्रकार से दर्शाया गया है, पोएट्री द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सुंदर शब्दों में, अर्थात सुंदर शब्दों में सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति को, सुंदर शब्दों में सुंदर अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं, काव्य कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। यानी अलंकार से पहले हमें काव्य को समझना है कि काव्य किसे कहते हैं। ये इंग्लिश में परिभाषित है, हिंदी में अर्थात संस्कृत में भी इनकी परिभाषाएं दी हुई। दूसरा है ड्राइडन। ड्राइडन ने लिखा है कि पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, व्यक्ति संगीत को, व्यक्ति संगीत को काव्य कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा कार्यालय। कार्यालय ने कहा है कि पोएट्री विल बी का म्यूजिक काल थॉट, संगीत में विचार, विल बी काल म्यूजिक काल थॉट, संगीत में विचार को, थॉट माने होता है विचार और म्यूजिक माने होता है संगीत, संगीत में विचार को काव्य कहते हैं, संगीत में विचार को हम काव्य कहते हैं। किसी भी पदार्थ की कोई भी विद्वान परिभाषा जब देता है तो उनकी परिभाषाएं सभी की समान होती हैं, लेकिन उनमें जो कहने का ढंग होता है, कहने का जो तरीका होता है, वो तरीका अलग अलग होता है, अर्थ सभी का समान निकलता है। ये जो परिभाषाएं दी हुई हैं, ये परिभाषाएं इंग्लिश में, इसकी जो हिंदी है वो हिंदी आपके सामने लिखी गई है। कार्लिज के द्वारा सुंदर शब्दों में सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति को हम काव्य कहते हैं। दूसरी, व्यक्ति संगीत को काव्य कहते हैं। तीसरी, संगीत में विचार को हम काव्य कहते हैं। इसके बाद संस्कृत में आचार्य भामे हुए हैं, आचार्य बामन हुए हैं, आचार्य विश्वनाथ हुए हैं, आचार्य दंडी हुए हैं, आचार्य रुद्रट हुए हैं, आचार्य मम्मट हुए हैं। इन सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं अलग अलग ढंग से दी हैं। आचार्य जो नंबर चार, आचार्य पहम, इसने लिखा है कि शब्दार्थ, शब्द
दार्थौ शब्द और अर्थ, शब्दार्थौ सहितम काव्य, शब्द और अर्थ से युक्त सहितौ काव्य, ये इसकी परिभाषा दी है। अलंकार का प्रयोग हम किस समय करते हैं, छंद का प्रयोग हम किस में करते हैं, काव्य में करते हैं, तो इनसे पहले हमें काव्य को समझना अति आवश्यक है। आचार्य भामाई ने लिखा है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्य, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को हम काव्य कहते हैं, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को हम काव्य कहते हैं। जिस काव्य में अर्थात जिस वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों का मिश्रण दिया हो उसे हम काव्य कहते हैं। इनके बाद आते हैं आचार्य रुद्र। इन्होंने लिखा है कि ननु मन होता है निश्चित शब्दार्थौ काव्य, निश्चित ही शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को हम काव्य कहते हैं। ये परिभाषा दी है आचार्य रुद्र। आचार्य इनके बाद आते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्य। आचार्य जो विश्वनाथ हुए हैं उन्होंने लिखा है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ इन्होंने लिखा है कि काव्यम या रसात्मक वाक्यम, इस प्रकार से लिख सकते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्य, अर्थात इसका अर्थ है कि रस से परिपूर्ण वाक्य को हम काव्य कहते हैं। आचार्य रुद्रट ने कहा है कि शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं, ननु माने निश्चय, और वही परिभाषा वही लक्षण सेम एक जैसा ही है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को हम काव्य कहते हैं। इस प्रकार से ये काव्य की परिभाषाएं मैंने आपके लिए दी। तीन परिभाषाएं हिंदी प्लस अंग्रेजी इंग्लिश, और तीन जो लक्षण दिए हैं, तीन जो परिभाषाएं दी हुई हैं वो संस्कृत और उनका रूपांतरण हिंदी में भी मैंने किया है। सामने इनका निष्कर्ष जो निकलता है उनका निष्कर्ष एक ही है कि शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को हम काव्य कहते हैं जिसमें संगीत का मिश्रण जिसमें हो अर्थात संगीत को ही हम काव्य कहते हैं। इस प्रकार से अब जो आता है वो आता है अलंकार के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है।
जिस प्रकार नारी गहनों से सुंदर यानी अपनी सुंदरता प्रकट करती है, उसी प्रकार से काव्य भी अलंकारों से ही सुशोभित होता है। यदि काव्य में अलंकार नहीं हो, यदि काव्य में अलंकार का प्रयोग नहीं हो तो उसे काव्य नहीं मान सकते। यदि जो लोग काव्य को अलंकार मानते हैं काव्य उसे मानते हैं अलंकार रहित वाक्य को यदि काव्य मान सकते हैं तो अग्नि को भी उष्णता से रहित मान सकते हैं। यदि काव्य को अलंकार से रहित मान सकते हैं तो अग्नि को भी तेज से रहित मान सकते हैं। इसलिए नारी की जो शोभा है वो है गहने और काव्य की जो शोभा है वो है अलंकार। बिना अलंकारों से काव्य शोभा नहीं देता है, सुंदर नहीं लगता है। उसी प्रकार से बिना गहनों के नारी भी सुशोभित नहीं होती। विद्वानों ने कहा है कि अलंकारान बिना अलंकारों से रहित सर्वगुण संपन्न नारी सभी गुणों में यदि कोई नारी संपन्न हो फिर भी अलंकारों से रहित होने पर, गहनों से रहित होने पर वो नारी विधवा के समान लगती है। अलंकारों से रहित सरस्वती विधवा के समान होती है। और सरस्वती जो नाम है वो एक नारी का नाम है, नारी को आदि शक्ति माना जाता है। नारी के अनेक रूप हैं, वो किसी भी रूप में अपना तेज प्रकट कर सकती है, सहन भी करती है, लेकिन यदि उसे क्रोध आता है तो सर्वनाश भी कर देती है। नारी के बारे में जो कहा है वो किसी विद्वान ने कहा है कि नारी जो होती है वो आदि शक्ति होती है। नारी अपने 7 कुलों का उद्धार कर देती है और अपने 7 कुलों को गर्त में भी मिला सकती है। इसके बारे में एक विद्वान ने कहा है कि हे माँ जननी जन तो भक्त जन कह दाता कैसूर नाही तो बाज रे मती गमावेनु। इस प्रकार से चलते हैं अलंकार। अलंकार में जो है अलम माने सुंदरता, क्री माने करना, और इसमें जो इसकी उत्पत्ति होती है अलंकार की, मैं इसी के सामने यहां लिखता हूं, अलम कैलाश क्री कैलाश घणी प्रत्यय, ये प्रत्यय है इसमें, ये इसका संधि विच्छेद है। अलंकार का यदि संधि विच्छेद पूछता है तो ये संधि विच्छेद आपको करना है, अलम प्लस क्री प्लस घनी। अलम माने सुंदरता, क्री माने की जाती है, घनी प्रत्यय का उसमें योग है। इन तीनों के योग से अलंकार की उत्पत्ति होती है, जिसके माध्यम से काव्य को सुंदर बनाया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। जिसकी परिभाषा किसकी, काव्य की परिभाषा यहाँ दी हुई है और अलंकार की परिभाषा हम इससे आगे अब प्रारंभ करते हैं। अलंकार जिसके द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, काव्य को सुंदर बनाया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं।
अलंकार की परिभाषा विद्वानों ने अपने अपने मत से अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से दी हैं, अर्थ एक ही है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि परिभाषा विद्वान देता है, उसका कहने का ढंग अलग होता है, लेकिन भाव और अर्थ एक जैसा होता है। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषाएं अनेक हैं। मुख्य रूप से परिभाषाओं को तीन भागों में भी बांटा जा सकता है। तीन भागों का मतलब है लिखने का ढंग। अर्थ एक ही है, अर्थ एक है, लेकिन उसको लिखने का जो ढंग है, जो शैली है, वो अलग अलग दी हुई। नंबर एक, यदि किसी वाक्य को कर्तृवाच्य में लिखना है, किसी वाक्य को भाववाच्य में लिखना है, किसी वाक्य को करण यानी तृतीया विभक्ति, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और करणवाचक, किसी भी तरीके से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इसका जो लक्षण है या परिभाषा, मैं परिभाषा आपको लिखता हूँ, जो भी लक्षण आपको अच्छा लगे, जो लक्षण आपको याद करने में सरल लगता है, उसी लक्षण को आप याद करें, लेकिन वो किसी भी आचार्य के द्वारा लक्षण को पूछ सकता है। इसलिए जानकारी, ज्ञान, सभी बातों का होना आवश्यक है। आप किस पर निर्भर करते हैं वो आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है। नंबर एक, ये कर्तृवाच, अलम करोति, अलम करोति इति अलंकार, अर्थ सभी का एक है। नंबर एक, कर्तृवाचक का मतलब है कि इसमें जो वाक्य दिया गया है वो कर्तृवाच्य का वाक्य दिया है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में यस्मिन वाच्य जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है उस वाच्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में यस्मिन वाच्य कर्मणे प्रधानता भवति, कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में यस्मिन वाच्य जिस वाच्य में कर्म नास्ति, कर्म नहीं होता है, तत्वाच्यम, उस वाच्य को हम भाववाच्य कथयते, उस वाच्य को हम भाववाच्य कहते हैं। अलं करोति इति अलंकार, जिसके द्वारा या जो अलम माने सुंदर, सुशोभित, शोभित करोति, करता है, इति अलंकार है, उसे हम अलंकार कहते। नंबर एक। नंबर दो, कर्म वाचक, अलम करणम इति अलंकार, ये कर्मवाचक परिभाषा है या लक्षण है। अर्थ देखिए, अलम करणम इति अलंकार, शोभा को, सुंदरता को ही हम अलंकार कहते हैं। और सुंदरता किसकी? काव्य, काव्य की जो सुंदरता होती है, जो शोभा होती है, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। नंबर तीन,
भाववाचक। इस प्रकार से ये जो लक्षण है, ये लक्षण दिए गए हैं अलम क्रियते अनिल इति अलंकार। ये तीनों ही लक्षण आपके सामने दिए गए, कर्तृवाचक, भाववाचक और कर्मवाचक। इनका क्रम थोड़ा सा है, ये कर्तृवाचक जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, सॉरी कर्ता की प्रधानता होती है, भाववाचक या कर्मवाचक, कर्मवाचक जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, भाववाचक जिसमें कर्म नहीं होता है, भाववाचक जिसमें कर्म नहीं होता है, अलम क्रियते अनेन इति अलंकार। शोभा क्रियते की जाती, सुंदरता क्रियते बढ़ाई जाती है, अनेन जिससे, जिसके द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है या काव्य को सुंदर बनाया जाता है उसे हम अलंकार कहते। ये तीनों ही लक्षण आपके सामने दिए हुए। प्रश्न वो पूछता है अलंकारस लक्षणम लिखत, अलंकार का लक्षण लिखूं, तो आप किसी भी अलंकार का जो लक्षण है वो एक लक्षण आप लिख सकते हैं। इसके बाद अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग ढंग से भी इसको परिभाषित किया। आचार्य बामन जो पैदा हुए उनका एक काव्य था जिसका नाम है काव्य सूत्र। आचार्य जो नंबर में यहां लिखता हूं नंबर 4, आचार्य हुआ सौंदर्यम, सौंदर्यम इति अलंकार। सुंदरता को ही हम अलंकार कहते हैं, काव्य की सुंदरता को ही हम अलंकार कहते हैं। ये जो लक्षण दिया है ये आचार्य बामन ने दिया, जिनका जो ग्रंथ है वो है काव्य दर्श। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो प्रश्न है ये संस्कृत साहित्य का जो इतिहास होता है उस इतिहास में इन प्रश्नों को पूछा जाता है। आचार्य बामन का जो ग्रंथ है, जो काव्य है, उसका नाम है काव्य दर्श। आचार्य बामन ने अलंकार का जो लक्षण दिया है सौंदर्यम इति अलंकार, सुंदरता को ही हम अलंकार कहते हैं। इसके बाद कई विद्वान हुए लेकिन एक विद्वान का नाम है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने लिखा है काव्य शोभा कराम, काव्य शोभा कराम, काव्य शोभा करान, काव्य की शोभा करने वाले आचार्य दंडी, काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य में शोभा करने वाले, शोभा करान धर्मान सभी धर्मों को या साधनों को अलंकारान, अलंकार प्रय चक्षते,
काव्य में शोभा करने वाले धर्मान सभी साधनों को, सभी तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ये जो लक्षण दिया है, ये लक्षण दिया है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का जो ग्रंथ है वो है कार्तिकदास। इनका जो ये ग्रंथ था वो है काव्यशोभ। आचार्य दंडी का जो ग्रंथ है वो है काव्यदास। इसके बाद आते हैं आचार्य मम्मा, जो अलंकार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते। आचार्य मम्मट ने लिखा है कि अलंकारान काव्य शोभादायक। आचार्य मम्मट जो हुए हैं उन्होंने लिखा है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने लिखा है कि अलंकार काव्य में शोभादायिका रसस च उपकर्ता। काव्य में शोभा धायिका रसस च रस का पोपे करता है मन्यन्ते। अलंकारों को काव्य में शोभा प्रकट करने वाले और रस के उपकर्ता माने जाते। ये आचार्य मम्मट ने इसको परिभाषित किया। आचार्य जो वामन थे उन्होंने कहा है, जिनके ग्रंथ का नाम है काव्य सूत्रम, सौंदर्यम इति अलंकार है। आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य में शोभा करने वाले सभी धर्मों को हम अलंकार कहते हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श। आचार्य मम्मट ने जिन अलंकारों को परिभाषित किया है कि अलंकारान काव्य शोभादायिका रसस च उपकर्ता है मन्यन्ते, अर्थात माने जाते। एक आचार्य रुद्रट भी हुए। आचार्य रुद्रट ने लिखा है कि अभिज्ञान प्रकार विशेष। अभिज्ञान प्रकार विशेष। आचार्य रुद्रट ने लिखा है कि अभिज्ञान प्रकार विशेषा ए। अभिज्ञान प्रकार विशेषा ए, इसका जो अर्थ है रुद्रट के अनुसार जो इसका अर्थ है वो है कि अर्थात कथन के विशेष प्रकार को
कथन के विशेष प्रकार को ही हम अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से अलंकार को विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। अलंकार के महत्व के बारे में मैंने सबसे पहले आपसे किया था, कहा था कि अलंकार के बिना, जिस प्रकार गहनों के बिना नारी की जो शोभा है, सुंदरता है, वो नहीं होती है, उसी प्रकार से अलंकारों के बिना काव्य की भी शोभा नहीं बढ़ती है। जिस प्रकार से गहनों के बिना सर्वगुण संपन्न नारी, सर्वगुण संपन्ना नारी, सर्वगुण संपन्न नारी अलंकारान बिना, अलंकारों के बिना शोभा ने शोभा नहीं देती है या विधवा के समान होती है। चंद्रालोक में तो यहाँ तक कहा है कि यदि कोई व्यक्ति काव्य को अलंकार से रहित मान सकता है, यानी काव्य की रचना कर देता है लेकिन उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं करता है, तो फिर ये भी मानना अति आवश्यक है कि अग्नि में तेज नहीं होता है। यदि अग्नि में तेज होता है तो काव्य में ही अलंकार का प्रयोग होता है। यदि अग्नि में तेज नहीं है तो काव्य भी अलंकारों से रहित हो सकता है। लेकिन मित्रों, बच्चों, काव्य बिना अलंकार के शोभा नहीं देता। जिस प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से छंद भी काव्य की रचना करने वाले कवि के अंदर जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को छिपाती हैं। ये छंद और अलंकार दोनों ही काव्य के मुख्य तत्व माने जाते हैं। ये काव्य और अलंकार की परिभाषाएं मैंने अनेक दी हैं। जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगे उसे याद करना, लेकिन अच्छे ज्ञान के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक परिभाषा को, प्रत्येक विद्वान के काव्य को याद करना अति आवश्यक है। अलंकार आचार्य मम्मट के अनुसार, यद यो आश्रित है, जो जिस पर आश्रित होता है, इसके आधार पर अलंकारों को तीन भागों में बांटा गया। अलंकार के जो प्रकार है, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, और दूसरा है अर्थ अलंकार, और तीसरा है ओभय अलंकार, जिनका वर्णन अलंकारों के प्रकार और अलंकारों का वर्णन हम इसके बाद प्रारंभ करेंगे। लेकिन यहाँ आपको बता देते हैं कि आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। एक बार फिर से काव्य शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को हम काव्य कहते हैं, जिसकी परिभाषा मैंने आपके लिए कई विद्वानों की दी है। उसके बाद अलंकार, अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। यदि अलंकार नहीं हो तो काव्य नहीं होता है। उसी प्रकार से यदि अलंकार से रहित काव्य होता है तो अग्नि भी तेज से रहित हो सकती है, जिसका वर्णन चंद्रालोक में किया है। ये
अलंकारों की जो परिभाषाएं, ये जो अलंकार है इसका निचोड़ ये है, काव्य का निचोड़ ये है कि शब्द और अर्थ को, सुंदर अभिव्यक्ति को, सुंदर विचारों को हम काव्य कहते हैं। और काव्य में जिनके द्वारा काव्य को सुंदर बनाया जाता है, काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। बिना अलंकारों के काव्य शून्य होता है। इसलिए हम इस अलंकार के टॉपिक को हम इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। अगला जो बिंदु हम प्रारंभ करेंगे, अलंकारों के प्रकारों से प्रारंभ करेंगे और अगले पहले अलंकार का वर्णन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।